नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। दुनिया की आदिवासी आबादी की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए हर साल 9 अगस्त को आदिवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 1994 में घोषित किया था, लेकिन 27 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी परिवार शासन की तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मामला सतना से है, जहां आदिवासियों के पास रहने के लिए घर नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित यह लोग सरपंच से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। आपको बता दें कि तेज बारिश होते ही कच्चे मकानों की छतों से टपकती बूंदें कानपुर गांव के लोगों को परेशान कर देती हैं। वहीं पीएम आवास योजना के तहत जनपद पंचायत मझगवा की 96 पंचायतों में लगभग 10,000 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन इस गांव में आज तक किसी को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, सालों से झोपड़ी तान कर रह रहे आदिवासी परिवार पात्र होने के बाद भी योजना के लाभ से वंचित हैं। यह तमाम दलालों के सक्रिय होने की वजह से आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आपको बता दें कि आसमान में बादल देखते ही इन परिवारों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अभी हाल ही में हुई तेज बारिश से तालाब में ज्यादा पानी भरने से लोगों को अपना घर छोड़कर शासकीय विद्यालय में रात बितानी पड़ी, और इन सभी परेशानियों से जूझते हुए ग्रामीणों ने सरपंच पर आवास का झूठा आश्वासन देकर रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। आप इसी में रह रहे हैं? हाँ। आप पक्का मकान आपको क्यों नहीं मिला? क्या कहा देश के प्रधानमंत्री सभी गरीबों और को पीएम आवास दे रहे हैं, जितने भी आप लोग आदिवासी परिवार है। हाँ। तो सरपंच साहब से नहीं कह रहे हैं कि हमको वही आवास चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा था? हमारा घर चुआ था हन के बादल बादल हन कहीं न रात के खटोली पछेल पछेल यहाँ वहाँ पड़ी थे, उस नींद करी थे, लड़का बच्चा लाए जागत रही थे, सोई नहीं, घर गिर जाते, कच्चे घर मानी पर नहीं छाए हैं। आपको पिया आवास नहीं मिला? अरे हमें नहीं मिला यार। आप सरपंच से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? अरे वो नहीं देती हैं, खूब लिखा पढ़ा खूब फार्म भरे पर नहीं देती हैं सरपंच, ना सिगरेट को नहीं देता। किसको दिए पैसा आप? सरपंच लीन है। कितना? 2000 एक दल इन्हीं का खाता खुलाई थे, इलाहाबाद गए उन खाता ना खुला, पैसा खा ली नहीं, कलम नहीं ना मिला। कितना पैसा लिया पूरा आपसे? 2000 इकट्ठा। क्या कहते हैं कि कॉलोनी मिलेगी आपको? हाँ, कॉलोनी मिलेगा, का खाता खुलाई थी इलाहाबाद में। अभी तक नहीं मिली? नहीं, अभी कच्चे मकान पे रह रहे हैं आप? हम किराया से रहते हैं, अब हम हमारे घर वर नहीं है। अब नुकसान सब सामग्री मशीन भी अंदर रखी है, सभी सामान रखा था, सब इसमें शिफ्ट कराए हैं, मशीन अभी अंदर रखी है, गुरु बचे हुए थे तो बाहर पे अपन निकाल निकाल सब बांधे। आपको आप लोगों के पास पीएम आवास नहीं मिला है, क्या वजह हो सकती है? पीएम आवास हो गया, डालते थे फार्म डालते थे, नहीं तो सरपंच हो गए का आ रहा होगा, वैसे सिम लटका दिया। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र की, जहां पर आपको बता दें कि आदिवासियों को पीएम आवास योजना का लाभ आज तक नहीं मिला है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस बारे में आपको जानकारी कब लगी और तमाम ऐसे कितने आदिवासी क्षेत्र के लोग वहां पर निवास करते हैं जिसके चलते आज भी वो आवास से वंचित हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज पूरे देश भर में आदिवासी विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ आबादी के मूलभूत अधिकारों को जंगल में जमने और बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह घटना उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो मूल निवासी लोग पर्यावरण संरक्षण, आजादी, महा आंदोलन जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते रहे। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था कि, लेकिन 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी परिवार शासन की तमाम
सुविधाएं से वंचित हैं। वहीं सतना जिले के मझगवा विकासखंड अंतर्गत पटना खुर्द पंचायत में जो जिले में एक बार टाप रह चुकी है और बिलाक में 5 बार टाप रह चुकी है, जहां आज भी गरीब परिवार आवास के लिए भटक रहे हैं। गरीबों के कच्चे घरों में आधी रात तेज बारिश होती ही ज्यादा कच्चे मकान के खपरेल से पानी टपकता है। दरअसल मझगवा जनपद पंचायत मझगवा में 96 पंचायतों में से पीएम आवास के लगभग 10,000 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल चुका है। अगर सतना जिले के मझगवा जनपद अंतर्गत पटना खुर्द पंचायत की बात की जाए तो यहाँ अब तक 100 लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन इसी पंचायत में बसा एक आदिवासी गांव कानपुर है जहां लगभग सैकड़ों भर परिवार रहता है। वहां आज तक किसी को भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसके बावजूद इस गांव में वर्षों से झोपड़ी तानकर रह रहे हैं अधिकांश आदिवासी परिवार पात्र होने के बाद भी योजना का लाभ उससे वंचित है। यहां तमाम दलाल सक्रिय होने के वजह से यहां पीएम आवास योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मझगवा जनपद की आज तक जिन परिवारों को पीएम आवास की राशि जारी की गई है, यदि उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए तो 60-70% ऐसे हितग्राही है जिनके पहले से पक्के मकान बने हुए हैं। इसके बावजूद भी राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन इन गरीबों को झोपड़ी में रहने के बाद भी आज तक राशि का इंतजार है। अभी हाल ही में तेज बारिश के दिनों में तालाब में अत्यधिक पानी भरने से ग्रामीणों का अपना घर छोड़कर गांव में ही एक शासकीय विद्यालय पर रात गुजारनी पड़ी थी। जी पंकज, क्या लगता है इसमें किसकी मिलीभगत हो सकती है? दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से आदिवासी को उनका हक मिलना चाहिए तो हक दूसरे छीनते हुए नजर आते हैं। लगभग कितने ऐसे वहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं जिसके चलते इन सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं कि अगर इसी पंचायत के बस आदिवासी की बात की जाए तो इस पंचायत में लगभग हजारों की संख्या में आदिवासी वोटर हैं, और अगर मझगवा ब्लॉक के पूरी तरह की बात की जाए तो मझगवा ब्लॉक में 29% आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लेकिन फिर भी आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ की जो ग्रामीण है वो भी अधिकारों से वंचित है। उनका पूरा जीवन यापन जंगल के भरोसे ही रहता है। क्षेत्र भर में जितने भी आदिवासी हैं उनका जीवन यापन पूरी तरह से जंगल में रहता है। समय समय पर वो जंगल से सूखी लकड़ियां बेचकर और अपना जीवन यापन करते हैं, और सीजन में महुए के सीजन में महुए बीनकर और चिरौंजी के सीजन में चिरौंजी बीनकर और तेंदुए के सीजन में तेंदु तोड़कर अपना उनको लाकर बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। जी पंकज, क्या लगता है इस बीच किसकी लापरवाही सामने आ रही है? क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि सरपंच सचिव से कई बार जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो गुहार तो लगा चुके हैं समस्या के समाधान के लिए, लेकिन फिर भी उनकी सुध नहीं ली गई। गलती किसकी नजर आ रही है यहाँ पर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जी बता दूं कि जो वहाँ के आदिवासी बहुल है जो सभी महिलाएं थी उन्होंने ये भी बताया कि हमने पीएम आवास के नाम से हमारे सरपंच साहब आए और खाता खुलवाने के नाम से हमसे एक बार 1500 रुपए, एक बार 2000 रुपए ऐसे करके उनको इलाहाबाद तक बैंक तक ले जा गया। उन्होंने ये भी बताया कि अभी हमारा आज तक ये खाता नहीं खुला बैंक से, और बैंक तक गए अपना आदिवासी बहुल वैसे भी जो है जो अपना जंगल से ही गुजारा कहीं ना कहीं करते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। अगर उनका सरपंच साहब के द्वारा ऐसा पंकज 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ तहसीलदार मझगवा के नितिन झोंड जुड़ चुके हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। नितिन जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाले मझगवा ग्रामीण क्षेत्र की, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर एक तरफ जहां पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, तो जिसी के चलते दूसरी तरफ यहाँ पर आदिवासी झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरीके से अगर आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों को आवास का लाभ ही प्राप्त नहीं होगा तो आखिरकार आदिवासी रहने को कहाँ रहेंगे और रहने को मजबूर हो जाएंगे ऐसे इलाकों में जहां उनकी देखरेख भी अच्छे से नहीं होती है। वहीं आपको बता दें कि 27 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी परिवार शासन की तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। चूंकि 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वहीं 1994 में ये घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार कि 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासियों का दिवस मनाया जाएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम लोग जो हैं वो आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन उस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है आदिवासियों का विकास करना। लेकिन यहाँ आदिवासियों का विकास तो तब होगा जब उनको रहने के लिए आवास की उपलब्धता होगी, लेकिन यहाँ पर जब आवास ही उपलब्ध नहीं होंगे तो आखिरकार यहाँ पर जो ग्रामीण हैं
वो किससे मदद की गुहार लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर सरपंच सचिव से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम उच्चाधिकारियों से भी जो ग्रामीण है वो गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर तमाम नेता जो हैं वो ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आदिवासियों के विकास के लिए समुचित व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वही हमारे साथ ग्रामीण राजेश रजक जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। राजेश जी, एक तरफ तो पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं आपको, और क्या कुछ समस्याएं हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में? मैडम जी, आवाज कम आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही जी। राजेश, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, चूंकि आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं? नहीं हो रहे मैडम जी। क्या समस्या आ रही है? सब ये कच्चे मकान, सब कच्चे मकान है मैडम जी। अब क्या जी, बरसात को जैसे मकान भी गिर गए हैं जी, किसी क्या तालाब था तो तालाब भर गया, तो फिर तालाब फूटने की संभावना में था, तो फिर उसको शिफ्ट करा के आंगनबाड़ी में कर दी थी मैडम जी। जी, स्कूल में किसी जनप्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की आपने राजेश? जी, मैंने फिर बात किया मैडम जी, फिर सरपंच को, जो सचिव सरपंच तो आए थे, तो फिर उनको वहाँ से जेसीबी के द्वारा फिर उनको कटवा के पानी निकाला गया था जी। और क्या कुछ बातचीत हुई, चूंकि देख रहे हैं कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी आदिवासी समाज के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं आवास, जिसके चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आदिवासी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जा रहा है आज, लेकिन आप लोगों को आवास ही उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आवास तो दीदी नहीं है मैडम जी, किसी को नहीं मिला, क्या कि मकान गिर गया था और फिर कच्चे खपड़ा ही, तो वहाँ बरसात की वजह से सब परेशानी उठती है जी। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन हमारा जो गिर गया मकान मौजूद है, फिर हमको आवास की व्यवस्था करे, क्या पक्के मकान की व्यवस्था करे जी। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आपकी इस समस्या का समाधान जनप्रतिनिधि और आश्वासन के आधार पर अधिकारी करें, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम जो विकास के वादे हैं वो तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये छत, टूटी हुई छत और ऊपर से बारिश का कहर, साफ साफ नजर आता है कि आदिवासी अपना जीवन यापन यहाँ किस माध्यम से करते होंगे, लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आ रहा। अगर आदिवासी दिवस के मौके पर ही उनको ये सुध नहीं ली जाती है, तो आखिरकार यहाँ लोग किस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा सिर्फ उन आदिवासी लोगों का नहीं है जो यहाँ पर बिना आवास के निवास करते हैं, बल्कि उन लोगों का भी है जिनके चलते बारिश के चलते यहाँ शासकीय विद्यालय में रात बितानी पड़ी। परेशानियों से जूझते हुए ग्रामीण सरपंच पर आवास का झूठा आश्वासन देकर रुपए ऐंठने का भी आरोप लगा रहे हैं। वही हमारे साथ मंडल अध्यक्ष बीजेपी के प्रबल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। प्रबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। धन्यवाद। प्रबल जी, क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश के सतना जिले से मझगवा से ग्रामीण क्षेत्र है, खबर आ रही है कि वहां आदिवासी दिवस तो है आज, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कुछ देखिए, बीच में विसंगतियां आई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उनके पास या तो आवासीय पट्टे हों, और या तो कुछ ऐसा, मेरी अभी जानकारी हुई अनुभागीय अधिकारी जी से भी बात हुई है, मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई है जी, तो कुछ ऐसी भी है जहाँ पे आवास बने हुए हैं वो आबादी में दर्ज न होने के कारण, वन भूमि या कुछ अन्यत्र होने के कारण उसमें कागज का या जमीन का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल पा रहा था जी। उसको लेके भी कुछ चर्चाएं थी, लेकिन अब वो भी समस्या सॉल्व हो गई है जी। और जल्द से जल्द इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास, जिन लोगों को नहीं मिला है उनको तत्काल दिलाने की बात मेरी अभी अनुभागीय अधिकारी जी से हुई है। और अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कानपुर क्षेत्र की, कानपुर पटना पटनी और डाणी टोला जी, जहाँ कच्चे मकान गिर गए बारिश के कारण, वो उसका सर्वे, क्योंकि पटवारियों की हड़ताल चलने के कारण उसका सर्वे हो नहीं पाया, लेकिन मौका निरीक्षण हो चुका है तहसीलदार द्वारा, और उसका जो भी यथासंभव मुआवजा है वो तत्काल उसको दिलाने की बात हुई जी। प्रबल जी, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरपंच पर कि पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है, कि यहाँ पर नाम चढ़ाने के नाम पर पैसे ऐंठ लिए गए, लेकिन उधर पर जो आवास योजना के तहत जो कागजात दिए जाते हैं वो नहीं मिले। सरपंच ने ऐसा किया, किस सरपंच ने ऐसा किया बताएं आप जरा मुझे जी। सरपंच यहाँ पर ग्रामीण जो है उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो सरपंच सचिव है उनकी मिली भगत है।
अब अगर आप कह रहे हैं ऐसा तो संज्ञान में लेता हूं मैं इस बात को भी, लेकिन जहां तक मेरे संज्ञान में था वो प्रधानमंत्री आवास का जो जमीन का मामला था, प्लॉट का जिस जगह पे मकान उनको बना हुआ है कच्चा, उस जगह का मामला आ रहा था, वो लगभग अब मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया गया है। आप बता रहे हैं कि उसमें सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा पैसा लिया जा रहा है, तो अगर इसका कोई प्रमाण हो तो अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैंने अभी अपने पदाधिकारी को, मंडल के महामंत्री को बोला है, वो तत्काल पहुंच के और मुझे शाम तक सारी चीजें अवगत कराएंगे। और अगर इनके पास अगर ऐसा कुछ है जो ये बता सके कि हाँ इनसे सेक्रेटरी ने पैसा मांगा है, तो हम तत्काल उस पर आगामी कार्रवाई के लिए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी प्रबल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आश्वासन देने के लिए। चूंकि अगर ग्रामीणों को परेशानी है तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या का समाधान होना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक या दो आदिवासी समाज के लोग निवास नहीं करते, बल्कि तमाम 1000 से ज्यादा आदिवासी समाज की संख्या जो आबादी है वो यहाँ पर निवास करती है। लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ पर लोगों को आवास उपलब्ध नहीं होते हैं तो आखिरकार आदिवासी जो है वो किससे गुहार लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष से जब हमारी इस बारे में बातचीत हुई तो उनका साफ साफ कहना है कि अगर समस्या है तो समाधान भी किया जाएगा। हमारे साथ जिला संगठन सचिव राजाराम यादव जुड़ गए हैं। राजाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी मैडम। राजाराम जी, क्या लगता है, जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरा देश आज आदिवासी दिवस मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मामला सामने आ रहा है मध्य प्रदेश के सतना जिले का, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी मैडम, मैं सबसे पहले तो आज विश्व आदिवासी दिवस पर सभी आदिवासी भाइयों को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूंगा। जी, इसी के साथ बताना चाहूंगा कि सतना नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अपने जो भारत की आबादी में से 14% भारत में जो निवास करता है आदिवासी, उसमें से मध्य प्रदेश में 20% आदिवासी निवास करता है। उसी में से मध्य प्रदेश सतना जिले में सातों ब्लॉकों में, मझगांव ब्लॉक में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करता है, जहाँ पर आदिवासियों के लिए स्कीम तो आती है, योजनाएं तो आती हैं, पर योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रहती हैं। जी, क्या लगता है राजा राम जी, इस बीच किसकी लापरवाही सामने आती है? चूंकि देख रहे हैं कि यहाँ 1000 से ज्यादा आदिवासी समाज बाहुल्य क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर अगर आवास की उपलब्धता नहीं हो पाती है, लोगों का तो ये भी कहना है कि उनको ये ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर लोगों को, हितग्राहियों को ना देकर बल्कि अपात्र लोगों को यहाँ पर जो आवास है वो मुहैया कराए जा रहे हैं, और जो पात्र लोग हैं वो इससे वंचित नजर आ रहे हैं। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सर्वे 2013 में हुआ था, वो सर्वे पूरी तरह से अनदेखी माध्यम से हुआ है, उस पर कोई बारीकियां नहीं की गई। और जैसे मझगांव ब्लॉक के अंतर्गत एक पटना खुद पंचायत है, उसमें एक कानपुर गांव है, उसमें वहां पर लगभग 100 से अधिक मकान है जो आदिवासियों के, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, पर वहां पर किसी भी एक आदिवासी को पक्का मकान नहीं मिला। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सभी आदिवासी भाइयों को और सभी को पक्का मकान मिले, तो शासन और प्रशासन की यहाँ पर लोकल कार्रवाई ढीली रवैया के कारण वहाँ पर आज तक आवास मुहैया नहीं कराया गया। लेकिन राजा राम जी, उसी पंचायत में लगभग सब लोगों को आवास मिला, पर आदिवासियों को वो आवास नसीब में नहीं हुआ। जी, आप जिला संगठन सचिव हैं, लेकिन इसी के आधार पर अगर बात करें तो आप कुछ ऐसा बीच का रास्ता तो निकाल सकते हैं जिसके चलते जो आदिवासी हैं उनको समस्याएं जो हो रही हैं उनका समाधान किया जा सके, या फिर किसी उच्चाधिकारी से बात करने की कोशिश भी की जाती है इस मामले में? जी, अभी मैं उच्च अधिकारियों से मैंने बात किया था कि जैसे अभी बरसात हुई है, इस बरसात में आदिवासी भाइयों के साथ इतनी परेशानी है कि उनके घर जो है गिर गए हैं पूरी तरह से, और रहने के लिए मकान नहीं है, झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं, उनकी जो पन्नी छाई हुई है, झोपड़ी बनी हुई है, वो झोपड़ी भी किसी तरह से चू रही पानी से। मैंने अभी SDM साहब को भी विज्ञप्ति के माध्यम से, वैसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, पर मैंने अवगत कराया कि सभी आदिवासी भाइयों का यहाँ पर मझगांव ब्लॉक में एक सर्वे कराया जाए, जिन आदिवासी भाइयों का घर गिरा है उन्हें या तो पक्का मकान दिया जाए या तो फिर उन्हें से रहने की व्यवस्था की जाए। तो एक व्यवस्था अभी नॉर्मल तौर पर हुई है कि जैसे किसी घर गिर गया है उसे कहीं विद्यालय पर रख दिया गया, ना तो वहाँ पर खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पर। जी राजा राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और SDM को ज्ञापन भी सौंपने के लिए, क्योंकि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि यहां पर सामने आकर ग्रामीणों की, आदिवासी लोगों की मदद करता है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आश्वासन के आधार पर आश्वस्त किया जाता है कि आने वाले समय में उन्हें जो आदिवासी के दौरान
आवास योजना का लाभ है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए भी क्योंकि अगर आदिवासी दिवस के दिन ही अछूते रहेंगे यहाँ पर तमाम आदिवासी आवास को लेकर, तो आखिरकार किस तरीके से सरकार अगला रुख अपनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश जनमुद्दे में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।